तो बोम गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube वीडियो में टेक्स्ट एनिमेशन को कैसे ऐड कर सकते हो, और तीन तरह के टेक्स्ट एनिमेशन का ट्यूटोरियल दूंगा, और तीनों टेक्स्ट एनिमेशन काफी प्रोफेशनल होने वाले और काफी अच्छा लुक देंगे आपको एडिटिंग में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए अगर नहीं किए हो तो, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने तीन इंट्रो का ट्यूटोरियल बताया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं या फिर आई बटन में लिंक है वहां से भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों टेक्स्ट एनिमेशन काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि एक हमें प्रोफेशनल लुक दे देता है। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो एक टेक्स्ट एनिमेशन चल रहा है नीचे में, वो भी काफी प्रोफेशनल लुक दे रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव कुमार, टेक्नोपे का भी चैनल आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमें अपने काइन मास्टर पे आ जाना है और हमें अपना मनचाहा मीडिया सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने बनाया था यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। और यहाँ पे आपको फिर से लेयर में जाके मीडिया सेलेक्ट करना है और आप एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप कोई भी कर सकते लेकिन ब्लैक ज़्यादा सूटेबल रहेगा, और इसको बड़ा करके नीचे कर दीजिएगा ताकि थोड़ा हाईलाइट हो सके एक नीचे वाला लाइन के रूप में। और इसका ओपेसिटी आप थोड़ा कम कर दीजिएगा ताकि आपका वीडियो भी अच्छा से पता चलता रहे और टेक्स्ट भी ज़्यादा हाईलाइट हो। उसके बाद आप लेयर में जाकर टेक्स्ट ले लीजिएगा और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। और फिर आपको इसमें अपना मनपसंद फॉन्ट भी ले लेना है, आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप ले सकते हैं। और इसे बड़ा कर लीजिए अपने शेप के अनुसार, और उसके बाद आप इसको सबसे कोना में कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ जो साइड में चाबी वाले ऑप्शन होता है उसमें क्लिक कीजिए, और फिर लास्ट में जाइए और फिर से इसको हिला के यहाँ पे एकदम लास्ट में कर दीजिए। इससे ये एक एनिमेशन की तरह बन जाएगा, और आप यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए ताकि ये कुछ अच्छा से लग सके और ज़्यादा पता ना चले। देखिए दोस्तों ये एक एनिमेशन की तरह बन गया है, और आप इसे स्ट्रेच कर लीजिए जहाँ तक भी आप चाहते हैं। देखिए दोस्तों ये एक एनिमेशन की तरह बन गया जैसे न्यूज़ चैनल्स में होते हैं, और आप अब इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। अब दूसरे टेक्स्ट एनिमेशन में आप फिर से कोई मीडिया सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं एक स्टॉक फुटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको मान के चलिए कहीं कुछ हाईलाइट करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक लाइन बना दीजिए जिसे आपको हाईलाइट करना है। तो मैं इसे फ़ोन को हाईलाइट करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन बना दिया हूँ, और एक आप रेक्टेंगल बना लीजिए जितना भी बड़ा आप बनाना चाहते हो अपने साइज़ के अनुसार से, और अच्छे से एडजस्ट भी कर लीजिए। तो मैं एक रेक्टेंगल बना लिया है, और फिर इसे अच्छे से अगर आपको कहीं पोजीशन में करना है तो कर लीजिए। और फिर आपको इन एनिमेशन में जाके ड्रॉ बाय स्ट्रोक सेलेक्ट कर देना है जिससे ये एक अच्छा एनिमेशन की तरह लग जाए। अब जहाँ पे ये एनिमेशन एंड होता है वहाँ पे आपको लेयर में जाके टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका टेक्स्ट हो उसे यूज़ कर लेना है। तो मैं इसे फ़ोन को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो मैंने फ़ोन लिख दिया है, और अपना फेवरेट फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद इस फ़ोन को जो है वो रेक्टेंगल के अंदर लिख दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको इन एनिमेशन में जाके लेटर बाय लेटर सेलेक्ट कर लेना है, आप अच्छे से खोज लेना आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आप इसे एडजस्ट करके रेक्टेंगल के बीच में ला दीजिए ताकि ये अच्छे से हाईलाइट हो सके। अब देख सकते हैं दोस्तों ये एक एनिमेशन की तरह हो गया है। अब आपको अपने टेक्स्ट को स्प्लिट कर लेना है अपना ये स्ट्रोक के अनुसार से। अब आप मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। तो ये एक अच्छा एनिमेशन बन चुका है कुछ भी हाईलाइट करने के लिए। अब आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो हमें अब अपने पिक्सल ऐप के स्क्रीन पे आ जाना है, और हमें एक इंस्टाग्राम का आइकन ले लेना है और उसे इंपोर्ट कर लेना है। मैं इस आइकन का पैक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है जो भी इस वीडियो में यूज़ हुए हैं। अब हमें एक सॉलिड शेप लेना है, और इसे इक्वल करके इसके लेयर के पीछे ले जाना है, और हमें अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, इंस्टाग्राम को बीच में कर लेना है, और हमें अब इन दोनों को मर्ज कर लेना है। अब हमें इसका साइज बढ़ा करके और फिर बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाके ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लेना है। बड़ा हमें कर लेना दोस्तों ताकि ये क्वालिटी को इन्हांस ना कर सके। और दोस्तों ऐसा ही आपको एक यूट्यूब के लिए भी बना लेना है, तो मैं अब यूट्यूब के लिए भी बना लेता हूँ। अब दोस्तों आपको फिर से एक सॉलिड शेप लेना है, और इसको एक ऐसा रेक्टेंगल के शेप में करना है, और ऊपर में आपको अपना सोशल मीडिया का नाम लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, और फिर आपको कलर में जाके ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है, और इंस्टाग्राम जैसा ग्रेडियंट आपको दे देना है। आप देख लीजिए दोस्तों इंस्टाग्राम का ग्रेडियंट कैसे बनाया जाता है। अभी मैं ग्रेडियंट बना रहा हूँ, तो कुछ ऐसा कलर्स रहते हैं इंस्टाग्राम में, तो मैं वो सब कलर्स भी डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों अभी ये इंस्टाग्राम का ग्रेडियंट जैसा भी लग रहा है, और ऐसा ही लगता है इंस्टाग्राम का आइकन भी, आप जाके देख सकते हैं। और इसका आप जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे ये फॉन्ट अच्छा लगा तो मैं सिलेक्ट कर लेता, आप कोई भी सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप स्ट्रोक में जाके थोड़ा सा स्ट्रोक इसका बढ़ा दीजिए। अब अपना आप न्यू टेक्स्ट लेके अपना यूज़र नेम लिख लीजिए,
तो मैं अपना यूज़र नेम लिख लेता हूँ। आपने मुझे अगर फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना फेवरेट कलर दे सकते हो, ऐसे ब्लैक ज़्यादा सूटेबल लगेगा, लेकिन फॉन्ट आप जो मर्जी चाहे वो दे सकते हो। तो मैं अपना मनमर्जी फॉन्ट दे देता हूँ। अब सेम टू सेम चीज़ आपको YouTube के लिए भी बना लेना है, तो मैं YouTube के लिए भी बना लेता हूँ। तो दोस्तों हमें YouTube का ग्रेडियंट भी दे देना है, तो दोनों साइड लाल देना है और बीच में वाइट देना है। आप देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ, सेम टू सेम आप वैसा ही बना लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये कि एक YouTube के ग्रेडियंट जैसा लग रहा है। अब इसे अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए अपने टेक्स्ट के हिसाब से। तो मैं ये एडजस्ट कर लेता हूँ और ये बिल्कुल YouTube के जैसा बन जाएगा। यह काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और YouTube का चैनल का नेम भी आप अपने नीचे लिख लीजिएगा, तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। अब आपको अपने काइन मास्टर पे आना है और एक ग्रीन कलर का सिलेक्ट करना है। वैसे आप कोई सभी कलर ले सकते हो, उसके बाद ग्रीन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो इंस्टाग्राम का आइकन आपने जो एक्सपोर्ट किया था उसे लाना है और इसे यहाँ पे सेट कर लेना है। और यहाँ पे एक इन एनिमेशन में जाकर ड्रॉप सेलेक्ट करना है। आप खोज लीजिएगा, ड्रॉप आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जहाँ पे ये ड्रॉप ख़त्म होता है वहाँ पे जाके लेयर में जाके फिर से आपको जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम वाला आपने के लिए किया था उसे इंपोर्ट कर लेना है। आप इन दोनों को एडजस्ट भी कर लीजिएगा और इसे आप स्लाइड राइट का इन एनिमेशन दे दीजिएगा जैसे मैंने किया था। और वैसे ही आपको सेम यूट्यूब के लिए भी कर लेना है, तो मैं यूट्यूब के लिए भी कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों आप एक बार फिर से देख लीजिए मैंने स्लाइड एनिमेशन कैसे दिया था। एक एनिमेशन का नाम होगा राइट स्लाइड करके, आपको वहीं से सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। आप जैसे एक वीडियो लिए और आप अपने वो वाला वीडियो जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया था उसे ले लेना है और अपना क्रोमा की को इनेबल करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा एनिमेशन आपको मिल रहा है। वैसे ही जो आपने अभी यूट्यूब वाला एक्सपोर्ट किया था उसे भी आप ऐसे इम्पोर्ट करके एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं सेम टू सेम इसी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ वही पोजीशन पे, ताकि इसमें ज़्यादा फर्क ना पता चले। और वैसे ही क्रोमा की भी इनेबल कर लीजिएगा, तो ये काफ़ी अच्छा आपको हाईलाइट दे देगा आपके सोशल मीडिया हैंडल्स का या फिर चैनल का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको तीनों एनिमेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई और सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पर छोटे मोटे टेक के अपडेट्स दे सकता हूँ। और आप अपना लोगो इंट्रो या कुछ भी मेरे से बनवा सकते हो बिल्कुल फ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।